बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के आइडियल डायोड सीरीज़ की सेकंड वीडियो है और इसमें ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं। इससे पहले वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कुछ सर्किट जो हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। जैसे ये है, अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि डायोड फॉरवर्ड बायस है बिकॉज पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द डायोड और नेगेटिव भी ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो ये तो ऑब्वियस है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, लेकिन कुछ सर्किट्स जैसे ये सर्किट्स हैं सारे, इनमें ये पता करना है कि जी ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, तो इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको एक प्रोसेस है, उसको गेसिंग कहते हैं, उस प्रोसेस से गुजरना होगा। तो ये पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं दे दूँगा। अब हम इसको पहले देखेंगे क्योंकि ये सवाल, इस पे मैंने वीडियो पहले बनाया था, वो गलत बन था, उसका आंसर सही नहीं आया था। तो अब मैंने काफ़ी इस पे स्टडी किया है और मैं चाह रहा हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो आइए देखते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स जो हमें जहन में रखना है कि जब भी आप फॉर श्योर नहीं हैं कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, और तो आपको चाहिए कि आप फ़र्ज कर लें, या तो आप फ़र्ज़ कर लें कि तमाम डायोड फॉरवर्ड बायस है, या आप फ़र्ज़ कर लें कि तमाम डायोड रिवर्स बायस है, और उसको चेक करें। और फिर आगे ऑप्शंस हम देखेंगे। प्रेफरेंस, रिकमेंडेड प्रेफरेंस ये है कि आप पहले रिवर्स बायस से शुरू करें। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आप डायोड को रिवर्स बायस करते हैं, जैसे अभी है, रिवर्स बायस का मतलब हुआ कि ये ओपन सर्किट हो गए, ये रिवर्स बायस। तो ओपन सर्किट में बेसिकली अब इसमें से तो करंट कोई नहीं फ्लो करेगी, तो इसको हम कहते हैं कि ये फोर्स्ड कंडीशन है, या इनफोर्स किया हमने कि इसमें से करंट ज़ीरो हो और इसकी वोल्टेज को पता करना। इसी तरह अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उसको हम शॉर्ट से शो करते हैं, और जब शॉर्ट हो जाए तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कुछ नहीं होगा, तो ये वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो को हमने इनफोर्स किया। अलबत्त इसमें से जो करंट है वो हमने पता करना होगा कि ये करंट मकदार कितना है और डायरेक्शन क्या है। अच्छा, एक चीज़ और कि जब करंट हम मालूम अगर यहाँ पे कर लेते हैं फॉरवर्ड बायस के इसमें, तो अगर तो वो करंट पॉजिटिव है तो फिर हमारा ये अजम्पशन वैलिड है, अदरवाइज नहीं। इसी तरह रिवर्स बायस के केस में अगर जो वी डी हमने कैलकुलेट किया वो नेगेटिव हो, लेस देन ज़ीरो हो, तो तब तो हम कहेंगे कि हाँ ये वाकई रिवर्स बायस है, अदरवाइज ये अजम्पशन गलत होगा। फिर एक चीज़ और कि अगर तीन चार ऑप्शन जैसे हमने डिस्कस किया के हैं, उसमें से जहाँ पे भी आपको ये पता चल जाए कि ये ऑप्शन सही है, तो उसी उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर हम रुक जाएंगे। फॉर एवरी सर्किट वन एंड ओनली वन assumption विल बी वैलिड। और ये बहुत अच्छा है, इसको जिम स्टाइल्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस की स्लाइड पे ये तमाम चीज़ें डिस्कस की है, तो मैंने वहाँ से हेल्प लिया है, अब भी चाहें तो इसको विजिट कर लें। अच्छा, सवाल ये सवाल था जो मैंने पहले भी सॉल्व किया तो बताया था, ये असाइनमेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, एक स्टूडेंट ने इसको बांग्लादेश से सेंड किया था। तो अब सबसे पहले तो मैंने इसको सर्किट को रीड्रॉ कर लिया इस तरह से, तीन डायोड हैं। और एक चीज़ और जो जब मैं सर्किट सॉल्व करता हूँ, मैं जब स्टूडेंट था तब भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि इस तरह लिख देते थे, उसके बाद इसको कहते थे यहाँ से करंट फ्लो कर रही, यहाँ से करंट फ्लो कर रही, खासतौर पर नेगेटिव जब हो तो उसमें प्रॉब्लम होता। तो मैंने तब से ये, या जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं ये टेक्निक अडॉप्ट करता हूँ, इसके जगह पे मैं बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ। अब 5 वोल्ट बैटरी पॉजिटिव है तो ये बैटरी मैंने कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे 10 वोल्ट बैटरी जिसके नेगेटिव ऊपर कनेक्टेड है सर्किट के साथ, और इसी तरह ये। अब इसमें मुझे केवीएल लिखना आसान लगता है, आपकी मर्जी, आप जो टेक्निक बेहतर समझे वो करें। अच्छा, अब सवाल यही है कि इसमें Assuming ideal diode, determine the voltages VA and VB. तो ये VA, VB, ये दो voltages मालूम करना।
अच्छा, अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि या तो हम फर्ज कर लें कि ये तमाम फॉरवर्ड बायस है, ये तमाम रिवर्स बायस है, या एक फॉरवर्ड दो रिवर्स, दो फॉरवर्ड एक रिवर्स, तो इस तरह से तीन डायोड के लिए अगर आपने DLD में, आपको याद होती है, जो हमारे पास 8 ऑप्शन आ जाते हैं, यानी तमाम ऑफ है, 0 0 फिर ये 2 ऑफ 1 ऑन, इस तरह से। तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, 8 पॉसिबिलिटीज को सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो क्या हम इसमें कोई गेस कर सकते हैं? ओके, कैन वी मेक एन इंटेलिजेंट गैस? आइए देखते हैं। द 10 वोल्ट बैटरी, ये जो 10 वोल्ट बैटरी है, इसका नेगेटिव कनेक्टेड है टू द नेगेटिव ऑफ द डायोड, दैट मीन्स ये बैटरी इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रही है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, और यहाँ से पॉजिटिव भी पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो द 10 वोल्ट बैटरी इज इंश्योरिंग डायोड D1 टू बी फॉरवर्ड बायस टिल सच टाइम वी ए इज मोर देन -10 वोल्ट। जब यहाँ पे -10 हो जाएगा तब इस ये स्टॉप हो जाएगा, लेकिन अभी तो यहाँ से भी, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ से नहीं। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि जी वो चीज़ इस डायोड पे भी अप्लाई है कि यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से नेगेटिव, लेकिन ये देखिए कि ये -5 है और इस केस में -10 है, तो ये ज़्यादा देर तक ये इंश्योर इसने करना है कि ये फॉरवर्ड बायस ही रहे, इसलिए हम इसको फर्ज कर लेंगे और आगे हम चेक भी करेंगे कि हमारा जो एजम्पशन है वो सही है कि नहीं। तो वी कैन अस्यूम D1 टू बी फॉरवर्ड बायस ऑल द टाइम अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो आइए अब हम देखते हैं, अब हमारा सर्किट क्या हो जाएगा इसको हमने फॉरवर्ड बायस करके। अब जैसे पढ़ा कि जो भी ये तीनों सर्किट डायोड्स हैं, इनमें आपने वोल्टेज और करंट को मार्क कर लेना है, डायरेक्शंस मार्क कर लेने हैं डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी। तो इसको हम ID1 कह रहे हैं, VD1, ID2, VD2, और ये ID3, VD3। अब याद रहे कि ये डायोड चूंकि उल्टा है या नीचे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव लिख दिया, और करंट डायरेक्शन भी अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब जब इसको हमने कंफर्म कर लिया ये है हमारा शॉर्ट, तो अब हमारे पास 2 डायोड बचे और इनमें से हमें 4 पॉसिबिलिटीज को चेक करना होगा। तो इनको हम कह देते हैं ये एजम्पशन 1 है, एजम्पशन 2, 3 और 4, तो एक एक करके हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले 0 0 वाला एजम्पशन, यानी इसको भी ऑफ कर दिया और इसको भी ऑफ कर दिया, और अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने हर एजम्पशन में इसको इम्प्लीमेंट करना है कि जहाँ पे आपने ऑफ किया है वहाँ आपने लिख देना है ये कि करंट इसमें से 0 है। अभी ID2 तो हमने लिखा हुआ, लेकिन इसके आगे हम लिख देंगे ID2 0, और VD के सामने क्वेश्चन मार्क डालना है कि इसको हमने पता करना है, यानी इन दोनों केस में हमने VD पता करना है। ये देखिए ID2 को 0 कर दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया, यहाँ पे ID3 को 0 कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब ये देखिए कि ये एक तरह से इंडिपेंडेंट सर्किट हो गया, ये कट गया यहाँ से, तो अब यहाँ से यही करंट डायरेक्शन दोनों में, ये पूरे ब्रांच में सेम करंट विल फ्लो, तो इसको हम कह रहे हैं I1 करंट। जो I1 यहाँ पे I1 है और यहाँ पे, तो I1 ID1 के बराबर हो जाएगा। आइए अब हम KVL इक्वेशन लिखते हैं यहाँ, तो KVL लेफ्ट लूप पे, अब इस पे हम लिखेंगे, तो यहाँ से हम चल रहे हैं -5 I1 into 5K, उसके बाद यहाँ पे I1 into 5K अगेन, और उसके बाद ये -10 = 0। तो यहाँ से हमारा I1 निकल आया 1.5 mA। अच्छा, अब ये जो हमने इसको फर्ज किया है कि ये है शॉर्ट है, तो इसको हम यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हैं कि अब हमने करंट को मालूम कर लिया, अब ये करंट 1.5 mA है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर से नीचे, तो जब पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि ये जो शॉर्ट है ये कंफर्म है, यानी डायोड फॉरवर्ड बायस है इस केस में। तो
आई डी वन जो कि बराबर है आई वन के इज इक्वल टू 1.5, आवर लॉजिकल अजम्पशन दैट द डायोड डी वन इज फॉरवर्ड बायस इज प्रूव टू बी करेक्ट। तो ये जस्ट आपके तसल्ली के लिए। अब आगे चलते हैं, हमने वी ए मालूम करना है, तो फिर हम इस लूप में और यहाँ तक अब आएंगे। तो ये -5 आई वन फाइव के प्लस वी ए इज इक्वल टू 0 लिख लिया हमने, आई ए की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से वी ए आ गया 0.25 वोल्ट, -2.5 वोल्ट। सिंस नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द मिड ब्रांच वी बी इज -5। अब ये क्या क्या है देखिए, इसमें से कोई यहाँ ना यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ना यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ना इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे, यानी -5 यहाँ पे है, तो वी बी भी -5 है। अब क्या सिचुएशन हो गया कि अब हमने वी डी टू मालूम करना है जो कि वी ए माइनस वी बी है। वी डी टू इज वी ए माइनस वी बी, और ये -2.5 माइनस -0.5, तो ये +2.5 हो गया। अब हमने जो फर्ज किया था वो क्या था कि ये जब रिवर्स बायस हो, जो कि यहाँ पर रिवर्स बायस है, तो वी डी हैज़ टू बी नेगेटिव लेस देन 0। हमारे केस में वी डी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये जो एजम्पशन है ये सही नहीं, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारे इस थ्योरी के साथ। तो इसीलिए अब सिंस वी हैव फाउंड वन कंट्राडिक्शन, नो नीड टू चेक द अदर फर्दर, तो मूव टू द नेक्स्ट एग्जम्पशन। तो अब हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चूंकि एक हमें पता चल गया कि ये कंट्राडिक्ट है, तो हम अगले एग्जम्पशन पे चलते हैं। तो ये हमने कर लिया, अब हम इस एग्जम्पशन को देखेंगे, यानी 0 और 1। तो ये तो 0 ही रहा, इसको हमने 1 कर दिया, या इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया। और यहाँ पे भी वही, क्या ये चूंकि फॉरवर्ड बायस है तो वी डी तो अब 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे आई डी 0 है और वी डी मालूम करना है। और उसी तरह चूंकि ये अभी भी ये इंडिपेंडेंट है ये ब्रांच, तो हम वही करंट लेके चल रहे हैं। और जो कैलकुलेशन हमने पिछले स्लाइड में किया था, मैं यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दे रहा हूँ उसको। तो यहाँ से हम कहेंगे कि वी ए हमारा जो है -2.5, वी ए तो वही रहा, वी बी कितना हो गया वो अब यहाँ से देख लेते हैं। सर्किट है ये, देखिए ग्राउंड है और शॉर्ट है, तो इसका मतलब वी बी 0 आ गया। वी बी इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, देयरफॉर वी बी इज 0। और अब हम वी डी मालूम करें, वी ए माइनस वी बी, -2.5 माइनस 0 यानी -2.5। तो अब यहाँ पे वी डी नेगेटिव हो गया, जो कि हमने कहा था कि रिवर्स बायस में इसको नेगेटिव होना चाहिए, तो ये सही हो गया। इसका मतलब है डी टू ओपन या रिवर्स बायस इज कन्फर्म, तो ये तो कन्फर्म हो गया। अब हम इसको भी देखेंगे कि ये जो हमने शॉर्ट किया, क्या ये भी कन्फर्म है कि नहीं, और उसके लिए क्या तरीका है। अब राइट लूप पे आ जाते हैं, केवीएल लिखते हैं, और यहाँ जो है ये डायरेक्शन मैंने मार्क कर लिया था कि हमें आसानी हो कि जी पॉजिटिव कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे। इस करंट को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे रजिस्टर को टच करे वो पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव। अब केवीएल अब हम यहाँ से चल रहे हैं +5, और ये माइनस साइन आ गया, तो माइनस लिख लेंगे ID 35K, और यहाँ से ID इज इक्वल टू 1 mA। तो ID अब मालूम हो गया, और इसके हमने ये भी पढ़ा है कि, और ये हमें नेसेसिटी कंडीशन है कि जब फॉरवर्ड बायस है जो कि यहाँ पे है, तो ID हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि ये अजम्पशन भी सही है, तो D3 क्लोज्ड इज कन्फर्म, तो अजम्पशन 2 इज वैलिड। और यहाँ जैसे हमने पढ़ा था कि अगर एक दफ़ा आपको पता चल जाए कि हाँ ये एजम्पशन सही है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर एवरी सर्किट 1 एंड ओनली 1 एजम्पशन विल बी वैलिड।
तो ये हमारा अब आंसर हमने सिर्फ यहाँ से निकालना है कि वी ए वी बी कितना है। तो वी ए देखिए हमने ये निकाला था -2.5 और वी बी यहाँ से 0, तो ये ही हमारा आंसर है। लेकिन अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जी आपने 0-0 से चले और यहाँ पे आके रुक गए, अगर हम 1-1 से चलते तो क्या होता। जो उस तरह के जो क्यूरियस माइंड है उनके लिए अब हम नीचे से चलेंगे, यानी पहले 1-1 फर्ज कर लेंगे, फिर इसको फर्ज करेंगे और देखेंगे क्या सिचुएशन है। तो एजम्पशन 4 को पहले करेंगे। अब एजम्पशन 4 में क्या है कि जी ये भी ऑन है और ये भी ऑन है, तो इनको ऑन कर लिए हम, और जहन में रहे कि जब ऑन हो तो हमने क्या मालूम करना है, वी डी 0 हो जाता है, करंट मालूम करना है। तो अब ये वी डी को हमने 0 लिख लिया यहाँ पे और करंट के सामने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अच्छा, अब ये चूंकि 0 है तो ये भी 0 है वोल्टेज, और ये शॉर्ट है तो इसका मतलब यहाँ पे भी 0 वोल्टेज आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो ये हमने नोट कर लिया। और अब ये करंट और ये करंट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ से ये करंट डिवाइड हो रही है दो रास्ते से, तो इसको हम डिफरेंट नाम दे देंगे, इसको हम आई कहेंगे और इनका नाम तो हमें पता है। ओके, और केवीएल के लिए डायरेक्शन मैंने मार्क कर दिया कीपिंग इन व्यू द करंट। केवीएल लेफ्ट टॉप यानी इतने पोर्शन पे केवीएल लिखेंगे हम, -5 और आई इंटू 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 ऑलरेडी है तो यहाँ से आई आ गया हमारा 1 mA। उसके बाद केवीएल लेफ्ट बॉटम लूप, अब यहाँ पे भी हम केवीएल लिख लेंगे, यहाँ से हम चलेंगे और ये करंट यहाँ पे टच करे वो पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, तो यहाँ से हम चल रहे हैं तो 10 और -ID15 के, तो यहाँ से ID1 हमने निकाल लिया 2 mA। अच्छा, अब ID2 कितना है, हमें तो ID2 में इंटरेस्टेड है हम, तो ID2 हम बाई KCL निकाल लेंगे कि इस नोड पे I इज इक्वल टू ID1 + ID2, तो यहाँ से ID2 आ गया हमारा -1 mA। तो अभी हमने जो कंडीशन लगाया था कि अगर फॉरवर्ड बायस हो तो करंट को पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है, तो ये कंट्रडिक्शन है, इसलिए ये 1-1 वाला एजम्पशन जो है ये वैलिड नहीं है। तो इसलिए अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब जो एक रह गया था वो है 1-0 एजम्पशन, आइए इसको भी देख लेते हैं कि अब 1-0 में ये तो 1 है, इसको हमने ओपन कर दिया और यहाँ पे भी अब हमने इसमें करंट मालूम करना है और इसमें वोल्टेज मालूम करना है। अच्छा, इसी तरह हमने वो करंट ऊपर ले लिया सब। बाई KCL एट नोड ए, यहाँ पे क्या होगा जी, I = ID1 और ID2, और अब इनको हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमें वी ए पता नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज जब आप इसको लिख लेंगे, जैसे नोडल एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा कि ये करंट इट इज़ गोइंग फ्रॉम 0 to VA, तो 0 - VA, इस बैटरी की वजह से भी करंट ऐड हो रहा है तो उसको प्लस कर लेंगे, +5 / ये रेजिस्टेंस। और इसी तरह यहाँ आप वी ए से 0 की तरफ जा रहे हैं तो VA - 0, इस बैटरी की वजह से भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे जो हमारा मेन करंट है, तो इसको भी हम प्लस लिख लेंगे / 5। और तीसरा ये है, अब यहाँ से भी हम वी ए से ग्राउंड पे जा रहे हैं, VA - 0, और इसकी वजह से भी करंट ऊपर से नीचे जा रही है, तो इसको भी हम प्लस लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 5A डिनोमिनेटर पे है तो उसको हमने ख़त्म कर दिया, ये आ गया और यहाँ से VA आ गया -3.3 वोल्ट।
और अब वी बी, और चूंकि ये शॉर्ट है तो वी ए और वी बी दोनों सेम है, तो ये -3.3 वोल्ट आ गया। अच्छा, अब वी डी थ्री यहां तक हम आ गए, हमें हमें इसको पता करना है वी डी थ्री कितना होगा। तो वी डी थ्री के आपने जहन में रखना है इसके डायरेक्शन उल्टा है, यानी यूं यहां से है, तो हम पहले इसको लिखेंगे कि जीरो माइनस वी बी इज वी डी थ्री। जीरो माइनस वी बी यानी जीरो माइनस -3.3 यानी 3.3 वोल्ट। तो ये 3.3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि रिवर्स बायस के केस में वी डी शुड बी नेगेटिव, इसका मतलब है ये भी रिजेक्टेड है, तो ये भी कंट्राडिक्शन है। तो जो हमने जो अब अगर आगे आप चलते तो आप एग्जम्पशन टू पे आ जाते, और एग्जम्पशन टू हमने सॉल्व किया है और वहाँ पे हमें पता चला कि जी दोनों ही ओके हैं। तो इस तरह से आप अगर उल्टा चलते तब भी आप इसको वही नतीजा आता है। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे, अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।